हे गाइस, राम राम दोस्तों, जय श्री राम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। तो आज भैया अभी पहले इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, पहले इंटरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ ऐसी न्यूज़ है, कुछ खुशखबरियाँ हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आइडिया लेना चाहता हूँ, बेसिकली आपके रिव्यू भी लेना चाहूँगा कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो एक बार पहले इंटरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से सीधा डायरेक्टली मिलता हूँ। इंटरव्यू ज्यादा दूर नहीं है, इंटरव्यू मेरे घर के पास में ही है, तो बस इंटरव्यू देके फिर सीधा आप लोगों से मिलूंगा। यस, दुनिया में इतनी परेशानी है, मैं तो बस भगवान श्री राम से इतना ही बोलना चाहूंगा। भगवान बेकार में, मतलब बेकार में नहीं, उनके कर्मों के भी फल है वैसे तो, एक बात तो है, लेकिन परेशानियां बहुत है। अभी अभी कॉल आया, ऑपरेशन करवाना है, पैसे की ज़रूरत है, पैसे है नहीं, इंसान की जान भी बचानी है। बड़ी दिक्कतें हैं भाई जीवन में। यह अपना जेब्रा क्रॉसिंग, और गाड़ी देखो कहां तक रुकी हुई है, ये देखो। अब फिर बोलते हैं इंडिया में अगर भाई वॉक करना है तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से, वो अगर उस रोड से इस रोड पे जाएगा तो जेब्रा क्रॉसिंग पे चल के जाएगा ना। लेकिन भाई साहब ने गाड़ी ऐसी लगा रखी है यहाँ पे, देखो एक वो ऑटो वाला आ गया और उसके साथ साथ वो भाई साहब देखो वो आगे पेड़ तो लगा देते, लेकिन भाई साहब इनकी कोई केयर नहीं करता, पेड़ काट रहे हैं। खैर छोड़ो, किसी को समझाना भी बेकार है भाई आज के समय में। अगर किसी को ज्यादा ज्ञान भी दोगे ना, भाई साहब ये जेब्रा क्रॉसिंग से आगे मत लो, पेड़ मत काटो, ये मत करो, तो भाई खामा खा की अपने ऊपर पड़ी हुई लकड़ी लेने की बात हो गई है। वैसे किसी को बोलना नहीं चाहिए, अपना बढ़िया काम करते रहो और खामा खा के इन चक्करों में, मतलब पड़ी हुई लकड़ी किसी को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, रूल्स फॉलो ही नहीं करते। रूल्स तो सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं भाई साहब, ट्रैफिक चलान कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। खैर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, ये एक बिल्डिंग है आगे, बस मैंने लोकेशन डाल रखी है। इंटरव्यू होने के बाद आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली क्या कहानी है। वीडियो को जुड़े रहना और वीडियो को सुनना। टीवी 100 न्यूज आ गया, फटाफट अब मेरी डेस्टिनेशन आ गया, इंटरव्यू देके फटाफट आपको एक खुशखबरी देता हूँ, जुड़े रहना व्लॉग में। फॉर ऑर्फन्स, फॉर ओल्ड एज पीपल इन दिल्ली इटसेल्फ। इन दिल्ली, सो आई स्टार्टेड इन मुंबई, टू ऑफ माय को-फाउंडर्स आर इन मुंबई, राइट, थ्री, वन ऑफ ही इज आल्सो को-फाउंडर, ओके, एंड वन मोर इज देयर। तो हम मिलकर इंटरनेशनल बॉडी 95 में बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसके जैसे ओलंपिक गेम्स होती हैं, तो ओलंपिक गेम्स में आपकी वो आग की मशाल, दिस इज योर कैमरा। अच्छा था ना, आपने आपने मेरा जानबूझ के नाम लिया ना ऐसे? क्यों जानबूझ के लेना ही था? नहीं लेना तो था, समाज सेवक सागर कुमार का नाम नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, लेकिन जानबूझ के नाम लिया ना। मुझे इतनी हंसी आई उस वक्त में जब लिया ना, समाज सेवक सागर कुमार, मैंने बोला थोड़ा सा ही बोल देते। तो भाइयों ये था अपना इंटरव्यू, हो गया है, तो पहले इन्होंने दे दिया, फिर मैंने दे दिया। फिर अब हम जा रहे हैं कहाँ, मैं जा रहा हूँ बेसिकली, इनको कहीं जाना है तो मैं जा रहा हूँ फिटनेस फर्स्ट, जिम करने, एक्सरसाइज करने। और जो वो आप बोलोगे यार सुबह से सस्पेंस में डाल रखा है, बता रहा हूँ थोड़ी वहां पे पार कर लेता हूँ, फिर पार करके आपको सारी चीज बताता हूँ, जब तक जुड़े रहो। तो फाइनली इंटरव्यू के बाद मैं आ गया यहाँ से लाइक सिटी वॉक। पहली बात तो यहाँ पे पार्किंग में जगह नहीं मिली, लेकिन जगह मिल गई फाइनली, एक कोने में जगह थी, तो गाड़ी खड़ी कर दी है और अब जा रहा हूँ फिटनेस फर्स्ट सिलेक्टिविटी वॉक में। आपने सुना होगा 5th फ्लोर पे इनका जिम है, बहुत अच्छा जिम है, बहुत बड़ा जिम है, तो मैं पहले जाता था, तो आज मैं और मैं ही जा रहा हूँ अकेला। और हाँ, जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे की बात करता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कल बेसिकली मेरे पास एक कॉल आया, जो कि अपना बड़ा भाई है मुंबई में, ही इज इनटू फिल्म इंडस्ट्री, मतलब अच्छा जाना माना नाम है, तो मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया उसके बारे में, और आप लोग भी नहीं जानते होंगे, मतलब नाम बता दूंगा तो जान जाओगे, तो उसका कोई यूज नहीं है। मुद्दे पे आता हूँ, तो उन्होंने बोला कि यार एक बार आप ट्राई कर लो, मैं अरेंज कर देता हूँ मीटिंग। तो मैं बस आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका भाई बिग बॉस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पर मेरा एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा जोन वो नहीं है, क्योंकि जो भी बिग बॉस में जाता है उसका कुछ एक्टिंग से रिलेटेड या बॉलीवुड में या सीरियल में आने का एक आगे विजन होता है। अगर मैं जाऊंगा अभी तो एक मैसेज को लेके जाऊंगा कि यूथ को इतनी हिम्मत रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और युवा बिगड़ना नहीं चाहिए, तो ये मैसेज जरूर लेके जा सकता हूं। तो
देखो लेट्स सी, अभी हाल ही में 2-3 दिन में मुंबई जाना पड़ेगा तो मिलके आऊंगा, तो आगे आपको सारी अपडेट दे दूंगा, लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट होगा, जाऊंगा तो अच्छा होगा, नहीं जाऊंगा तब भी अच्छा होगा, अपनी जर्नी चलती रहनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए तो मैसेज में लिख देना, नहीं होगा तो मत बताना। अभी जा रहा हूँ सीधा ऊपर 5th फ्लोर करके सीधा जिम करूंगा, एक्सरसाइज आज करूंगा, बाइसेप ट्राइसेप्स करूंगा और कार्डियो करूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 1-2 दिन से अच्छा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है इस वजह से। तो सीधा मिलते हैं।